नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। बिलासपुर में युवक के ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली। 3 साल बाद मृतक के शव का अवशेष गांव के ही एक खेत से खुदाई में बरामद हुआ है। लेनदेन के विवाद में 4 युवकों ने हत्या कर शव खेत में दफना दिया था। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शव के अवशेष को DNA टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल वर्ष 2020 में जिले के मस्तूरी के मल्हार चौकी क्षेत्र निवासी 18 वर्षीय युवक विकास केवर्त के गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की थी। धनतेरस के दिन विकास अचानक गायब हो गया था। पुलिस मामले में जांच कर रही थी, लेकिन विकास का कोई सुराग नहीं मिला। परिजन भी इस बीच अपने स्तर पर विकास की तलाश करते रहे। इस बीच परिजनों को विकास के हत्या की आशंका हुई। परिजनों ने विकास के दोस्तों पर आशंका जताते हुए पुलिस से दोबारा जांच की मांग की। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसमें विकास की हत्या का खुलासा हुआ। 4 युवकों ने रस्सी से गला दबाकर विकास का हत्या कर शव खेत में दफना कर दिया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने विकास के शव की तलाशी शुरू की। मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर खेत की खुदाई शुरू की गई, लेकिन खेत में फसल होने के कारण पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने फसल काटने का इंतजार किया और आज फिर JCB से खेत की खुदाई की गई, जिसमें शव के अवशेष बरामद हुए। शव के अवशेष को DNA टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग है, वहीं 4th आरोपी पहले से हत्या के मामले में जेल में बंद है। आकाश राय की खास रिपोर्ट। अक्टूबर 2019 की घटना है। प्रार्थी के जो मृतक है विकास केवट, उसके पिता ईश्वर ने रिपोर्ट दर्ज कराया था गुम होने के संबंध में, और उसके बाद ये 2-3 साल तक पड़ा था। और अभी कुछ दिन पहले उसके पिताजी फिर आए और जांच अच्छे से करिए करके हम लोगों को आग्रह किए। तो हम लोगों ने उनके सारे दोस्तों से पूछताछ किया, तो उसके एक दोस्त से पूछे ना, तो वो फिर कबूल किया कि हमने उसको पैसे के लेन देन की बात को लेके मार के वहाँ पर हथेली तालाब के पास खेत में गाड़ दिया। कितने दिनों बाद में सफल मिली है सर? कितने आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था? 4 आरोपी थे, इसमें 3 नाबालिग थे, 1 बालिग है जो अभी भी जेल में बंद है, 3 हमारे। आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आगे इन लोगों को विधिवत कार्रवाई करेंगे, न्यायिक रिमांड में भेजेंगे।